सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगे, टकाटक होगे। ये व्लॉग आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेरा पुणे का। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ पुणे। वन डे ट्रिप है, हम लोग जा रहे हैं डगरू सेठ गणपति, जो बहुत फेमस गणपति है पुणे में। और उसके साथ साथ मैं कुछ स्ट्रीट फूड कवर करने वाला हूँ पुणे के। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा सा व्लॉग मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाऊँ पुणे का मेरा। एंड हाँ, ये वन डे की ट्रिप रहेगी, लेकिन मज़ा बहुत सारा आने वाला है गाइस। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैंने इंडोर सीरीज भी बनाई थी और अभी पुणे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका भी मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपना पुणे व्लॉग शुरू करते हैं गाइस। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बस डेपो पे, और ये है हमारी बस जो हमें पहुंचाएगी पुणे। लगभग कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 11 घंटे का रास्ता है अभी। कम से कम 10 से 11 घंटे का रास्ता अभी बजे है, एग्जैक्टली 9 बजे, और हम सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं सुबह, अभी तो बस में जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली हम लोग पुणे पहुंच चुके हैं। आई थिंक कम से कम 10 से 9 घंटे का रास्ता है ट्रैवलिंग बाय द रोड सूरत टू पुणे। ट्रेन में इससे भी कम रास्ता हुआ, लेकिन बाय रोड थोड़ा एक दो घंटा ओपन से लगता है। बस में कंफर्टेबली अच्छी नींद आई, बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई, ड्राइवर साहब अच्छे थे, और अच्छा लगा ट्रैवलिंग करके। आज बहुत टाइम के बाद मैं बाहर निकला हूँ आफ्टर द इंदौर जो कवर किया था, उसके बाद सीधा पुणे। छः महीने हो गए, और अभी देखेंगे आगे का रास्ता। पहले तो जाएंगे हम होटल, वहाँ पे थोड़ा फ्रेशअप हो गए। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैंने यहाँ से एक्सप्लोर किया पुणे को, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी है, तो मज़ा आएगा ट्रैवलिंग में। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Guys, we are rich in Pune, and right now हम लोग स्टे कर रहे हैं हमारे होटल द क्रिश। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, और फ्रेश होने के बाद हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे सेठ डगरू सेठ के वहाँ। तो चलिए पहले फ्रेश हो जाते हैं। मैं होटल का भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि कौन सी होटल है और क्या स्टे है हमने लिया है। चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये है हमारा रूम 306 नंबर। ये एसी रूम है, और इसका रेंट हमसे लिया गया है 2500 रुपये फॉर वन नाइट स्टे फॉर 4 पीपल। ये है एड्रेस द क्रिश। अगर आप आ रहे हैं पुणे और सस्ता अच्छा टिकाऊ वाला होटल ढूंढ रहे, तो ज़रूर ये लोकेशन पे आप ट्राई कर सकते हैं द क्रिश होटल। बाकी डिटेल मैं डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। गर्म पानी 24 घंटा चालू है, और क्या क्या फैसिलिटी है? रूम सर्विसेज चालू है, रूम सर्विस नंबर कौन सा है सर? 9 नंबर। चलो बढ़िया है। तो ये हमारे 4 लोगों के लिए 2500 रुपये वन नाइट स्टे तो अच्छा है। तो अभी हम लोग होंगे फ्रेश, एंड फ्रेश होके आपको मिलते हैं। सबसे पहले जाएंगे दगरू सेठ, तो गणपति के दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे हम मिसल पाव खाने जोगेश्वरी। तो चलिए फ्रेश होके मिलते हैं आपको गाइज। तो गाइज, हम लोग अभी निकल चुके हैं होटल से दगरू सेठ मंदिर की ओर। लगभग करीबन 2 किलोमीटर है हमारे होटल से, तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं राजर देन रिक्शा या कुछ भी टैक्सी या कुछ भी लेने से, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, आज चलते दगरू सेठ मंदिर। दर्शन ऑफ दगरू सेठ गणपति। अब हम लोग आए हैं थोड़ी पेट पूजा करने, हमारा ब्रेकफास्ट करने। तो बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियोज देखा था, मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, तब से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया कि एक बार जोगेश्वरी मिसल पाव
पे जरूर जाना, जोगेश्वरी मिसल एंड बेल बंदर। तो अभी मैं आया हूँ जोगेश्वरी मिसल पे। तो गाइस ये है पुणे का फेवरेट मिसल स्पॉट, जोगेश्वरी मिसल। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा मिसल और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है यहाँ। तो बेसिकली ये है जोगेश्वरी मिसल का मेन्यू। जोगेश्वरी स्पेशल मिसल थाली, दही मिसल, गरम मटकी बेल, पर्सन प्लेट एंड जम्बो वड़ा पाव, दही, बहुत सारे फलाना ढिंगा चीज़ है। लेकिन हमने जो स्पेशल चीज़ है वो ऑर्डर की है, स्पेशल मिसल थाली 130 रुपये की है और दही मिसल 90 रुपये का था। तो देखते हैं क्या आता है हमारी मिसल थाली में और दही मिसल में। तो ये है जोगेश्वरी स्पेशल मिसल की चीज़। भैया क्या क्या डाला आपने? सेव है, सेव, पापड़ी, चिवड़ा, पापड़ी और चिवड़ा। ये जोगेश्वरी स्पेशल बन रहा है ना, और इसमें एक सेव पापड़ी चिवड़ा हो गया, ये एक मिठाई में है। ये क्या बोलते, तरी? हाँ, ये मिसल, मिसल है। उसमें भी ऊपर से जाएगा लाठिया, सेव, पापड़ी, पापड़ी और चिवड़ा, चिवड़ा, सेव और प्याज। तो ये हमारे जोगेश्वरी स्पेशल उसल। ये दही मिसल कौन सा? ये वाला है, ये दही मिसल है और ये है जोगेश्वरी स्पेशल। ऑर्डर की है जोगेश्वरी स्पेशल मिसल थाली, जिसमें सबसे पहले तो मिसल है। ये मिसल का एक एक्स्ट्रा हमको बाल्टी भी मिला है और जो स्पेशल थाली है उसमें एक गुलाब जामुन व स्वीट, दही, एक्स्ट्रा मग, सलाद और इतनी गर्मी में ठंडक के लिए छाछ। तो टेस्ट करेंगे कैसा है इनका मिसल और जो सूरत का या तो गुजरात का पुसल बोलते से उसल, उससे ये क्या अलग है मिसल। तो गाइस आफ्टर द जोगेश्वरी मिसल इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही टेस्टी एंड बेस्ट रिकमेंडेड प्लेस है मिसल पाव के। अगर आप पुणे में आ रहे हो तो जोगेश्वरी मिसल पाव ज़रूर ट्राई करना। अभी हम लोग आए हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्पॉट पे चलेंगे। तो ये है टिकट काउंटर राजीव गांधी नेशनल पार्क के लिए। एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ एंड छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कैमरा वैमरा ला रहे हो तो उसका अलग से चार्ज है। तो वी आर एंटरिंग द जू, एक्स्ट्रा पैसे है कैमरे के 200 रुपीज़। तो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो वो चार्ज लेंगे आपसे। हमने कैमरा यूज़ नहीं किया है, हमारा आईफोन से अभी शूटिंग चल रहा है। तो इधर है फाउंटेन स्टार्टिंग में ही जू का, देन आगे वॉकिंग पे चलते हैं। भाई कहाँ जाओ ना अर्ज भाई, मोहित भाई कुछ बता रहे हमें। क्या देखने हैं, मंकी कहाँ पर है? सो हम लोग जूम में एंटर हो चुके। मीत का फेवरेट, ये पर्सनल फेवरेट था बकेट लिस्ट में कि अगर हम लोग जाएंगे पुणे तो जू जाएंगे। भाई पेट लवर है, एनिमल आपको सारे इसके पास टोटे मिल जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, मछली सब मिल जाएगा। तो मेक श्योर, हाँ भाई ये कौन सी नस्ल है बंदे में कुछ पता है? देसी नस्ल है। यह है स्नेक पार्क, लेकिन हमें अभी तक कोई स्नेक दिखा नहीं है। पता नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। मीत भाई का कहना ये पाइथन है, पाइथन स्नेक। फाइनली वी फाउंड, हाय हाय हाय। Thank you.
गर्मी इतनी है कि इसकी हद नहीं है। टू मच हॉट। कौन सा है मीट? इगुआना। इगुआना, इगुआना मगरमच्छ नहीं, क्या करता है तो? रेनो वाला भी आता है, व्हाइट भी आता है। ये करता क्या है इगुआना? डेंजर होता है? ऐसे चिपक के बैठा रहा है। ये लेजी है, लेजी पर्सन। इगुआना ओ हिला हिला। तो यार अभी फाइनली लीव द राजीव गांधी नेशनल पार्क। हमने बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स देखे। अच्छा है जू, काफ़ी इतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा बोरिंग था लगा। ये सारी चीज़ें तो हमें सूरत में भी देखने को मिलती है, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। फॉर नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू तिरुपति टेम्पल, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। एंड सुना है कि जो एग्जैक्टली टेम्पल है तिरुपति में, वैसे ही सेम टू सेम हूबहू टेम्पल बना है तिरुपति का। तो हम अब नेक्स्ट वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ उसके लिए हमें पकड़नी पड़ेगी बस जू से, जो करीबन एक से डेढ़ घंटा लगाएगा। जू में हमें कम से कम डेढ़ घंटे दो घंटे लगे, बहुत ज़्यादा लंबा है जू, तो टाइम लेके आइएगा। बहुत गर्मी भी है, तो हमने पूरा तो कम्प्लीट नहीं किया, लेकिन जितना हो सका उतना हमने ट्राई किया है कम्प्लीट करने की। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे तिरुपति टेम्पल, जो एग्जैक्टली सेम साउथ में जो टेम्पल है तिरुपति का, वैसा ही सेम इन्होंने यहाँ पे बनाया है। चलते अभी बस पकड़ेंगे अब। तो गाइज आफ्टर वन एंड अ हाफ आवर जर्नी ऑफ बस, वी आर फाइनल रीच द तिरुपति बालाजी मंदिर ऑफ पुणे। लगभग हमने जो नेशनल पार्क से वहाँ से हमने बस ली, 61 नंबर की बस है। 46 रुपीज़ फेयर पर पर्सन। और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं बालाजी मंदिर, ये इसका एंट्री गेट है। तो यहाँ से हमें एक और टैक्सी लोकल या तो फिर रिक्शा करनी होगी, 2 किलोमीटर और अंदर जाना है और फिर आएगा बालाजी मंदिर। बहुत थक चुके हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, पानी भी कब से पी रहे फिर भी, और ट्रैवलिंग बहुत ही, मतलब आप समझ लो कि महाराष्ट्र और पुणे मुंबई का जो ट्रैवलिंग होता है वैसा ट्रैवलिंग एकदम रफ। फिर भी अभी कंप्लीट करते हैं जर्नी। खाना खा रहे तो हमने बालाजी टेंपल जाने के लिए ये लोकल टैक्सी ली है। भाई लोग पहले से बैठ चुके हैं अंदर। ए भाई कैम जमा जा आज भाई। अपना टैक्सी फेयर कितना है? कितना है टैक्सी फेयर भाई? टैक्सी फेयर कितना है यहाँ से ऊपर बालाजी मंदिर तक? 20 रुपये बोला। 20 रुपये पर पर्सन है टैक्सी फेयर। सो गाइस वी आर फाइनली रीच द तिरुपति बालाजी टेम्पल ऑफ पुणे। ये रहा मेरे पीछे है, हूबहू जैसा तिरुपति बालाजी में है वैसा ही एग्जैक्ट लुक दिया गया इसको भी। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो ये जो मेरे पीछे है वो है तिरुपति बालाजी मंदिर ऑफ पुणे। एग्जैक्टली जैसा साउथ में है तिरुपति बालाजी मंदिर, वैसा ही हूबहू बनाया है। अगर आप वहाँ पे विजिट किया है तो आपको ये आप यहाँ पे आओगे तो आपको ज़रा भी डिफरेंट नहीं दिखेगा। अभी अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो ये ब्लॉग यहीं पे मुझे अभी तो पॉज करना पड़ेगा। मैं विजिट करता हूँ अंदर, दर्शन करता हूँ बालाजी भगवान के, और फिर आपको फिर से मिलता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। तो हमारे दर्शन बहुत पीसफुली हो गए, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। अभी 4 बजने वाले, तो अभी आरती का टाइम है, तो अभी होगा दर्शन में भीड़। एंड अभी आरती भी चालू होनी, और अंदर से हमें प्रसाद भी दी गई थी, एक छोटी सी जो खिचड़ी बोलते हैं, वो खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। कुछ भी उसमें मसाले नहीं थे फिर भी बहुत स्वादिष्ट थी, तो बहुत संतुष्ट हुआ। अभी हम बैक टू जा रहे हैं हमारे होटल पे, फिर से 1 घंटे का ट्रैवलिंग होगा यहाँ से बस का, एंड रात का फिर डिनर करेंगे।
देखते आगे डिनर में हम क्या खाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कोई अच्छी जगह खाएंगे, मीट को तो कुछ सब्जी रोटी खानी है भाई। मीट हाँ भाई खाना है बहुत भाई, मैं तो बोल रहा हूँ वो वैशाली वाली जगह है, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया, वहाँ पे चलते हैं कहीं पे भी भूख लगी है। तो अभी हम बैक टू जा रहे हैं हमारे होटल्स। सो गाइस हमने तिरुपति बालाजी मंदिर की अभी प्राइवेट टैक्सी की है, कम से कम 1000 रुपये है यहाँ से हमारे होटल तक, जो 1.5 घंटे का रास्ता है। हम लोग पहले बस में आए थे वो कुछ 200 रुपीज़ हुई थी फॉर 4 पर्सन, लेकिन अभी प्राइवेट टैक्सी 1000 रुपीज़ है 4 पर्सन के लिए। क्वाइट कॉस्टली लेकिन सेफ जर्नी है और कंफर्टेबली जा सकते हैं। सो गाइस ये इज द फाइनल वीडियो, वी आर डूइंग चेकआउट फॉर आवर होटल्स। ऑल द डे आज वेरी गुड, हमने बहुत सारा इन्जॉय किया। हमने सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा ट्रैवलिंग किया, चक्रू सेट गए, फिर तिरुपति बालाजी मंदिर गए, बीच में हम जोगेश्वरी मिशल पाव भी खाया। सो ऑल ओवर डे इज़ वेरी गुड, लेकिन हाँ 3-4 चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ अगर आप पुणे आ रहे हैं तो। फर्स्ट, एक तो ट्रैवल एक्सपेंस ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप कुछ भी प्लान कर रहे हो ट्रैवलिंग का तो अगर पर्सनल व्हीकल ना हो तो रेंट पे करना, बिकॉज के टैक्सी और पर्सनल कुछ भी आप व्हीकल करोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, यहाँ पे समर में आप ट्रैवल ना करें तो बेटर है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग आधा दिन तो उसमें ही थक गए। और थर्ड चीज़ जो मुझे लगा कि हो सके तो अगर ट्रैवल भी करें तो 3 या 6 ऐसे ऑड नंबर में ट्रैवल करें ताकि आपको शेयरिंग, ऑटो शेयरिंग या टैक्सी शेयरिंग में इजीली पड़े। बाकी ऑल ओवर तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दे चुकी है, कहाँ कहाँ मैं घुमा हूँ, कितना एक्सपेंस हुआ है। और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए या आप चाहते कि मैं पुणे नेक्स्ट टाइम फिर से कवर श्योरली करूँगा तो कहाँ कवर करूँ, मेरी बहुत सारी जगह भी बाकी है तो वो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँ। तो तब तक के लिए आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।